पास दो मोबाइल फोन है जिससे आपके लिए समझना काफी आसान हो जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पर यूज करना चाहते हैं तो आप जूम क्लाउड मीटिंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पर यूज करना चाहते हैं तब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट zoom.us पर जाएंगे। ओपन करने पर आपके सामने कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप खुद से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फिर जिन लोगों को भी आप उस मीटिंग में ऐड करना चाहते हैं आप उनको इनवाइट करेंगे, या अपनी मीटिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर करेंगे तो वो आपके साथ मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे, या फिर अगर किसी और ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की हुई है तो वो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर करेगा जो आप यहां पर डालकर मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। तो किसी भी मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए जस्ट आप यहां ज्वाइन ए मीटिंग पर क्लिक करेंगे, यहां पर आप मीटिंग आईडी डालेंगे, ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करेंगे, इसके बाद पासवर्ड डालकर आप यहां इसको ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहीं से आप अपनी ऑडियो और वीडियो को डिसेबल्ड या इनेबल भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से यहाँ पर कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तब आपको यहाँ एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप साइन अप पर क्लिक करेंगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे और अपने गूगल या फेसबुक के थ्रू यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे। चलिए हम गूगल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना जीमेल अकाउंट चूज कर लेंगे, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। न्यू मीटिंग पर क्लिक करके आप यहाँ से एक नई मीटिंग शुरू कर सकते हैं, ज्वाइन पर क्लिक करके आप किसी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, शेड्यूल पर क्लिक करके आप कोई एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, और शेयर स्क्रीन पर क्लिक करके जिनके साथ भी आप मीटिंग कर रहे हैं उनके साथ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को या कंप्यूटर की स्क्रीन को आप शेयर कर सकते हैं। ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके यहां से आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं बाय ईमेल एड्रेस या फिर फोन नंबर के साथ। और नीचे भी यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। मीट एंड चैट पर क्लिक करके आप डायरेक्ट चैटिंग कर सकते हैं जिन लोगों के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग्स पर क्लिक करके यहां आप देख सकते हैं अपनी मीटिंग आईडी को और जितनी भी आपकी मीटिंग्स चल रही है वो सब यहीं पर शो होगी। कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब यहां पर शो होंगे, और यहां सेटिंग पर क्लिक करके आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। यहां पर ये बेसिक प्लान है, बेसिक प्लान में आप 100 लोगों के साथ एक साथ मीटिंग कर सकते हैं और 40 मिनट तक आप मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप 100 से ज्यादा लोगों के साथ या फिर 40 मिनट से ज्यादा मीटिंग करना चाहते हैं तब आपको इसका एडवांस प्लान लेना होगा जो आप इसकी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। एक न्यू मीटिंग शुरू करने के लिए आप यहां न्यू मीटिंग पर क्लिक करेंगे और यहां से स्टार्ट मीटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक न्यू मीटिंग यहां पर शुरू हो जाएगी। यहां पर आप इसको कुछ परमिशंस देंगे कैमरा और ऑडियो रिकॉर्ड करने की। अब यहां पर देखिए मीटिंग शुरू हो चुकी है, यहां से हम बैक कैमरा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये मीटिंग आईडी है और ये मीटिंग पासवर्ड है। जिन लोगों को भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी मीटिंग में उनके साथ आप इसको शेयर करेंगे। साथ ही यहां पर आप पार्टिसिपेंट पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं किन लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है, और यहीं से आप इनवाइट पर क्लिक करके इनवाइट भी कर सकते हैं लोगों को इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। चलिए यहां पर मैं URL को कॉपी कर लेता हूं और WhatsApp या Telegram के थ्रू किसी को इनवाइट कर देता हूं। अब यहां पर देखिए टेलीग्राम के थ्रू मैंने इनवाइट किया है, तो जिसको भी आप इनवाइट करेंगे उसके पास इस तरह का एक लिंक आएगा, वो उस पर क्लिक करेगा और यहां जूम एप्लीकेशन में उसको ओपन कर लेगा। यहां पर वो अपना नाम डालेगा अगर नाम सेट नहीं किया हुआ है। चलिए यहां पर मैं नाम डाल देता हूं, इसके बाद ओके करेंगे। अब यहां पर देखिए इस मीटिंग का जो होस्ट है, जिसने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसके पास इस तरह से एक बटन आ जाएगा, एडमिट पर क्लिक करके वो उसको यहाँ ज्वाइन कर सकता है मीटिंग के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट है, इसने ज्वाइन कर लिया है इस मीटिंग को, और ये टीचर है, ये होस्ट है इस मीटिंग का, जिसने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इन दोनों के पास यहाँ अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो होस्ट है जिसने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो यहीं से म्यूट कर सकता है अपनी वॉइस को या फिर वीडियो को स्टॉप कर सकता है, और शेयर पर क्लिक करके जिन लोगों के साथ मीटिंग चल रही है उनके साथ कोई डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकता है, और यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करके अपने मोबाइल फोन की या कंप्यूटर की स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर मैं क्लिक करूंगा, परमिशन देनी होगी। यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे जूम कहाँ है, और यहाँ से इसको हम परमिशन दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए टीचर का मोबाइल फोन है और इसकी स्क्रीन है, और यहाँ स्टूडेंट के मोबाइल फोन में ये शेयर हो रही है। अब स्टूडेंट इसमें कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है, जबकि टीचर यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, और टीचर यहाँ जो भी करेगा वो यहाँ स्टूडेंट देख सकता है। जितने भी लोग इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे वो सब इसी तरह से यहाँ पर इस स्क्रीन को
देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ समझाना है तो जस्ट यहाँ पर टाइप करेंगे और वहाँ पर स्टूडेंट्स देखते रहेंगे जो कुछ भी टीचर करेगा, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक पेन मिल जाएगा, इससे यहाँ पर चीजों को हाईलाइट भी किया जा सकता है और यहाँ स्टॉप शेयर पर क्लिक करके स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप किया जा सकता है। इसी तरह से शेयर में यहाँ काफी सारे ऑप्शंस हैं। शेयर व्हाइट बोर्ड पर क्लिक करके यहाँ से व्हाइट बोर्ड को शेयर किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये स्टूडेंट का मोबाइल फोन है तो यहाँ पर भी व्हाइट बोर्ड आ गया है। अब टीचर यहाँ पर जो भी लिखेगा वो स्टूडेंट के व्हाइट बोर्ड में भी शो होगा। यहाँ पर हम पेन ले लेते हैं और यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट के व्हाइट बोर्ड में भी यही शो हो रहा है। तो इस तरह से टीचर स्टूडेंट को कुछ लिख करके भी समझा सकता है या कोई डायग्राम या कुछ भी शेप यहाँ पर बनाकर स्टूडेंट को आसानी के साथ कोई भी चीज समझा सकता है। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। टीचर यहाँ रेजर से इसको रेज कर सकता है, कलर चेंज कर सकता है, साथ ही यहाँ से इसको डिलीट कर सकता है, क्लियर कर सकता है। ऊपर यहाँ कट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ व्हाइट बोर्ड शेयरिंग को स्टॉप शेयर पर क्लिक करके स्टॉप किया जा सकता है। साथ ही यहाँ स्टूडेंट के पास भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि वो ऑडियो को भी ज्वाइन कर सकता है और यहाँ स्टार्ट वीडियो पर क्लिक करके अपनी वीडियो भी शेयर कर सकता है टीचर के साथ या जो भी मीटिंग का होस्ट है। जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट वीडियो पर मैं क्लिक कर देता हूँ, परमिशन मांगेगा। टीचर के मोबाइल फोन में स्टूडेंट की यहाँ पर वीडियो भी आएगी और वो स्टूडेंट को पढ़ाने के साथ साथ उसको लाइव यहाँ पर देख भी सकता है। टीचर यहाँ मोर पर क्लिक करेगा तो यहाँ से ऑडियो को डिस्कनेक्ट कर सकता है या फिर जितने लोगों के साथ भी ये मीटिंग की जा रही है उन सबके साथ चैटिंग कर सकता है। टीचर जब चाहे इस मीटिंग को एंड कर सकता है और स्टूडेंट जब चाहे इस मीटिंग को लीव कर सकता है। यहाँ लीव पर क्लिक करेगा तो यहाँ से मीटिंग को वो छोड़ देगा, लीव मीटिंग। देखिए मीटिंग यहाँ पर चल रही है लेकिन स्टूडेंट यहाँ से लीव कर चुका है। इसके बाद अगर वो इसको ज्वाइन करना चाहेगा तो ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करेगा, यहाँ पर मीटिंग आईडी डालेगा जो कि मैंने आपको बताया ऊपर। यहाँ ये मीटिंग आईडी है और ये पासवर्ड है। मीटिंग आईडी डालने के बाद इस तरह से पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर पासवर्ड डालेगा। पासवर्ड डालने के बाद ओके करेगा तो यहाँ पर मीटिंग को फिर से ज्वाइन कर लेगा। अगर स्टूडेंट अपनी वीडियो भी शेयर करना चाहता है तो यहाँ ज्वाइन विद वीडियो करेगा, लेकिन अगर अपनी वीडियो शेयर नहीं करना चाहता तो ज्वाइन विदाउट वीडियो वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज करेगा। और इस तरह से जिसने भी इस मीटिंग को होस्ट किया था उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये पर्सन इस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहता है, तो यहाँ वो एडमिट पर क्लिक करके इसको परमिशन दे सकता है इस मीटिंग को ज्वाइन करने की और स्टूडेंट यहां पर इस तरीके से मीटिंग को ज्वाइन कर लेगा। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन में कोई भी मीटिंग आसानी के साथ की जा सकती है और साथ ही इसमें ऑनलाइन स्टडी भी की जा सकती है। तो इस तरीके से आप जूम एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप